नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर नई मंडी श्री रामलीला भवन में 57वां श्री रामलीला महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज मथुरा की श्री गिरिराज लीला संस्थान के कलाकारों ने लक्ष्मण जी द्वारा सुपर्णखा की नाक कान भंग कर खरदूषण वध सीता हरण तथा राम सुग्रीव मित्रता की लीला का भव्य मंचन किया गया। लीला का शुभारंभ प्रमुख समाज सेवी मनमोहन जैन, मोनिका पाइप तथा आरबी इंटरप्राइजेज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम की आरती कर किया। श्री राम लीला कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों को बैच लगाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस वर्ष हमारा 97वां महोत्सव श्री रामलीला नई मंडी थाने के पास जो चल रहा है, और आज की लीला जैसे कि आपने देखा कि स्वरूपनखा की नाक नासिका काटी गई और सीता हरण की बहुत सुंदर लीला का मंचन यहाँ वृंदावन से आई मंडली गिरिराज संस्थान के स्वामी पूरनचंद जी के नेतृत्व में यहाँ कर रही है। और अपार भीड़ जन समूह आपने देखा कि किस प्रकार पंडाल पूरा भरा हुआ है, क्योंकि बड़ी शुद्धता से लीला यहाँ की जाती है। कोई बीड़ी का किसी चीज़ का कोई यहाँ इस लीला में कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी श्रद्धालु बहुत ही ध्यानपूर्वक लीला को देखते हैं और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं। और इस वर्ष भी हमारे यहाँ जैसा कि हर वर्षों से हम लोग जो रावण का हमारे यहाँ दहन होता है वो हम रिमोट कंट्रोल के द्वारा करते हैं मंच से ही, इस वर्ष भी हम वो यही व्यवस्था रखेंगे और मन से ही जाएंगे, कोई मन से ही उसका दाह संस्कार होगा क्योंकि कोई पुतले के पास नहीं जाएगा। आज मुख्य अतिथि हमारे मनमोहन जैन जी, मोनिका पाइप वाले और अरविंद मित्तल जी, मित्तल कंटेनर वाले आज हमारे मुख्य अतिथि रहे। अरविंद मित्तल जी सहपत्नी के आए थे और उन्होंने उनके आने से हमारा उत्साहवर्धन हुआ और पूरे कमेटी का और पूरे रामलीला के कलाकारों का उत्साहवर्धन हुआ है।